हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगेन वी हैव सम इंटरेस्टिंग सीरीज एंड कुछ खतरनाक न्यूज़ भी होने वाली है इसमें, एंड बहुत ज़्यादा सीरियस भी। सो सबसे पहले अपनी न्यूज़ है रेगल टॉस की। तो रेगल टॉस ने ये स्टोरी लगाई जिसके अंदर आप देख सकते हो उनके सिस्टर के 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम आर साइड। गाइस, आपको पता होगा कि गूगल की तरफ से एक गेमिंग इवेंट हुआ था जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स आए थे, एंड उसके अंदर एस ए 12 को भी इनवाइट किया था। एंड एस ए 12 मेम्बर्स ने बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ मीटअप किया, एंड उसकी स्क्रीनशॉट्स आप अभी देख सकते हो, कुछ स्क्रीनशॉट जो सब लोगों ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में लगाई थी। देन गाइस, अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है गोल्डी भाई की। तो रिसेंटली गोल्डी भाई ने एक बहुत ही सीरियस चीज़ के बारे में डिस्कस करा अपनी लास्ट स्ट्रीम पे। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के बारे में उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी थी, एंड उन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। तो वो क्लिप आप अभी पूरा देख सकते हो कि क्या सिनेरियो था। लोग चेक कर लेना, वो उसकी आईडी भी उड़ गई है, मैं नाम नहीं ले सकता अभी। इन्हीं के ग्रुप का था, ठीक है, ये डेमोन और ये टेंटागन और ये सब जो है ये ग्रुप का था। चेक कर लेना, और इनको भी बोलूँगा पहले बकने से पहले चेक कर लेना आईडी अपनी। अपने एक दोस्त ने, तुम्हारे दोस्त की आईडी बंद है, वो सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में बंद है। इज अ 24 ईयर इंजीनियर। 3 डेज बिफोर ही वाज कॉट, यस, मुंबई पुलिस पकड़ के लाई है उसको। 24 साल का लड़का? हाँ, 24 साल का इंजीनियर है। अरे मैकेनिक। QTS, यस QTS, यस यस, दैट गाय इज अरेस्टेड। जिसका आपने नाम लिखा वो अरेस्ट हो चुके हैं। भाई इतने गंदे लोग हैं ना ये लोग, भाई इतने गंदे लोग। ये किसी के एक ने चैट में नाम लिख दिया था, मैंने उनको बता दिया। मैंने जिसका नाम लिया ना, बाकी दो का लेगा, उसकी उम्र सुन लेगा तो तेरे ना। उनमें से एक अंडर एज है, जो अभी मैंने नाम लिया ना, उनमें से एक जुवेनाइल है। ऑब्वियसली गाइस, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है कि आज के टाइम पे लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो समझते हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, किसी को पड़ी नहीं है, वो कुछ भी ऑनलाइन कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी 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 रॉन्ग, क्योंकि आज के टाइम पे आप कुछ भी करोगे ऑनलाइन तो वो हमेशा के लिए वहाँ पे स्टोर होती है। आपका एक गलत कदम आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। एंड अभी के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा वल्गर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ऑनलाइन जब वो गेमिंग करते हैं। इवन जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं वो बात एक अलग चीज़ है, बट आप अगर किसी और इंसान को गाली दे रहे हो वो बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है, उसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। एज इट इज़ जो आपने अभी सुना कि गोल्डी भाई ने उन लोगों को अरेस्ट करवा दिया, एंड बहुत सारे मतलब 2-3 लोग उसमें से अंडर एज थे, तो ये बहुत ही मतलब समझ रहे हो ना आप कितनी बड़ी चीज़ है। यानी कि अपनी नेक्स्ट अपडेट है मायावी हैकिंग एलिगेशंस। तो आपको पता होगा कि अभी मायावी की टीम के ऊपर हैकिंग के एलिगेशंस लगाए गए हैं कि मायावी की टीम हैक यूज़ कर रही है, एंड इवन क्राफ्टन की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑफिशियली उनके ऊपर लुकआउट किया जा रहा है। एंड इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए सिड भाई ने भी ये चीज़ों पर बताया कि वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, उन्होंने इस मैटर के बारे में अब तक क्यों कुछ नहीं बोला। लोग उनके पूछ रहे हैं कि भाई कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो, फिर भी वो उसका रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। एंड अभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस मैटर के रिलेटेड क्या है वो आप अभी सुन सकते हो इस क्लिप में। Person who stands against the haters, right? Why not even a single word on team Mayavi? Yeah, got it. Maybe because of relationships with... Question पूछ भी रहे हो, फिर खुद ही डिसाइड कर रहे हो उसका आंसर क्या है, खुद ही मेरे चैट में लिख रहे हो, फिर पूछ क्यों रहे, क्या सीन है? डिसाइड कर लिया तुमने अपने दिमाग में कि यही आंसर है, तो क्या सीन है? Is Nike Air Jordan 1 Rebellion your good choice to buy? Definitely, it's a very nice shoes. Very nice shoes. यार देखो, टीम मायावी का मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, एंड आई टेल यू वाई कि कोई भी कुछ उसके लिए बोल नहीं रहा। सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट पीपल जो मेरे को स्टोरीज वोरीज में टैग कर रहे हैं मसीहा गेमिंग का, और कुछ नहीं बोल रहे, ये नहीं कर रहे, आई जी सी इज अ जोक। सबसे पहले तो यार ये मेरे को बहुत गुस्सा आता है व्हेनेवर पीपल से आई जी सी इज अ जोक। मतलब जोक भी बोलना है यहाँ पे, यू वॉन्ट टू एंटर ऑल्सो, यू वॉन्ट टू पुट योर रिसोर्सेज योर मनी ऑल्सो, देन यू कीप कॉलिंग इट अ जोक। आई मीन यू नो द पीपल हु आर ऑल, जब जो लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं ना खुद आई जी सी में, यू विल नेवर सी देम कॉलिंग इट अ जोक और समथिंग। दे ट्राई टू मेक पॉजिटिव चेंज और दे ट्राई टू डू समथिंग, ऐसा वो फटक से बोल देना ये जोक वो जोक मसीहा अभी क्यों नहीं बोल रहे तभी बोल रहे थे। तो मैं एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ यार, अच्छा बैकग्राउंड है, ये मस्त बैकग्राउंड है ना, सिंपल चीज़ मैं आप लोग को एक बोलता हूँ कि सैगी का जो सीन था ना वॉज अ वेरी डिफरेंट सीन, ठीक है। सैगी वॉज उसके पीछे वो हैक उसका दिख गया था ऑन सम क्या खेल रहा था, वो TDM खेल रहा था शायद, वहाँ पे उसका दिख गया था। और सैगी के सीन में भी तुम लोग एक और मैं चीज़ बता, अभी भी ही इज़ नॉट बीन ऑफिशियली बैंड और ऑफिशियली उसके अगेंस्ट कुछ बोला गया है बाय द ऑफिशियल्स। तो देर इज़ अ चांस कि इफ फॉर एग्जाम्पल ही क्वालिफाइज टू BGIS और एनी अदर ऑफिशियल इवेंट टुमारो, नो उसको खेलने शायद मिल जाएगा आपको। अभी भी वो ऑफिशियली ऑफिशियल्स ने उसको बैन नहीं किया,
तो पॉइंट ये कि इतने वीडियोस आगे मैंने स्नेल के भी सारे वीडियोस देखे, इनफैक्ट स्नेल के साथ मैं भी खुद टच में था, ऋषि के साथ भी टच में था मैटर के, मतलब एटलीस्ट अप टू डेट रहने के लिए मैं टच में था, मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, सारे वीडियोस देखे इनफैक्ट स्नेल ने. डेफिनेटली देर आर लॉट ऑफ इनकन्सिस्टेंसीज इन द एंटायर सीन, उसके वो जो बंदा बोल रहा है मेरा आईफोन मेरा टूटू और ये और वो. एज इट इज़ गाइज, सिड भाई को भी वही लगता है जो हम सबको लगता है. अभी किसी को भी कुछ नहीं पता कि कौन सच में हैक यूज़ कर रहा है, कौन सच में हैक यूज़ नहीं कर रहा है, बट उन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दिया वो एग्ज़ाम्पल बिल्कुल सही था कि अभी ऑफिशियल की तरफ से कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं आया है कि ये हैकर है वो हैकर है एंड इवन दैट काइंड ऑफ थिंग्स. तो आप समझ सकते हैं. देन अपनी नेक्स्ट अपडेट है गॉड लाइक एंड सिड भाई की. तो रिसेंटली सिड भाई से किसी ने ये पूछा कि जब एस पावर का बाय आउट आया था, मतलब जब एस पावर ने ब्लाइंड को छोड़ा था, उस टाइम पे आप लोगों ने एस पावर को क्यों नहीं लिया अपनी टीम में, क्या रीज़न थे? तो उसका रिप्लाई सिड भाई ने बहुत ही थोड़ा एंग्री वे में दिया. उसका रीज़न ये था, बिगेस्ट ब्लंडर फॉर नॉट साइन एस पावर आफ्टर ही लेफ्ट गॉड लाइक. अरे भाई क्रिकेट टीम बनाओ क्या, मेरे पास ऑलरेडी 5 थे, मैं और एक बार लेके क्रिकेट टीम बनाऊँ? गौरव भाई आपको लगता है हम ब्लंडर कर रहे हैं? आप प्लीज़ यार और चलाओ, आप लोगों को साइन करे, आप पैसे डाले, आप करें जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है? ये सब मेरे को पढ़ने को बहुत इरिटेशन होता है. देन गाइस अपनी नेक्स्ट अपडेट है स्कॉट भाई की. तो स्कॉट भाई ने रिसेंटली एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर उन्होंने कुछ ये बोला कि बैक होम एंड वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब वो स्ट्रीम कर सकते हैं अपने सारा काम साइड करके, बट उन्होंने देखा कि उनकी जो 2 साल पुरानी वीडियो थी उसके ऊपर उनको स्ट्राइक आ रखी है एंड वो टेम्पररली अभी स्ट्रीम नहीं कर सकते एंड वो होप कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा एंड जैसे ये सॉल्व होता है वो आपको हम सबको बता देंगे. बट अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि उनको स्ट्राइक कहाँ से आई एंड किसने दी, ये तो अभी नहीं पता. देन गाइस अपनी नेक्स्ट अपडेट है सोल की. तो आपको पता होगा कि सोल का जब बैक फॉल आया था एंड वो अब ग्राइंड कर रहे हैं एंड आप उनका एक क्लिप दे सकते हो जिसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस कुछ फायर ऑन है. एंड ये अलग नहीं हो, दो नहीं हो फिलहाल के लिए, बढ़ते देखने मिल जाएगा. एंड ओरिजिनल उन्हें फिलहाल के लिए टिकडाउन करके फिनिश ऑफ भी कर दिया गया है. सोल की दिक्कत है काफी ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी. मात्र 2 प्लेयर बचने वाले विच इज गोइंग टू बी ओमेगा एंड हेक्टर, वो दोनों काफी ज्यादा दूर थे. 2v4 की फाइट थी न्यू एंड एक्सेप्ट के लिए एंड दोनों प्लेयर टिकडाउन कर दिए जा चुके हैं. हेक्टर आए जरूर से एंड फिलहाल के लिए ओमेगा उन्हें भी टेकडाउन किया जाएगा. लास्ट प्लेयर बचने वाले हेक्टर एंड एक 1v3 की फाइट उनके अगेंस्ट रन लेते निकाल के लिए जाते हुए देखने को मिल भी सकते हैं. एंड इसी के साथ एक क्लच एक 1v3 उन्होंने करके दिखाया है. जी हाँ, जिसलिए वो माहिर है, जिसलिए उन्हें एक्सपीरियंस प्लेयर कहा जाता है, जिसलिए उन्हें सपोर्ट कहा जाता है, बेस्ट सपोर्ट एवर कहा जाता है. टेकडाउन दूसरा भी टेकडाउन निकाल जरूर से दिया गया. एंड ओमेगा की बात करें दोनों ही प्लेयर्स वो मोहली के चपेट में आते हुए देखने को मिल जाएंगे. एंड जीरो वो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे प्लेयर बचने वाले हैं. एंड एक्यूज अगेन एंड वो मोहली फेंकते हुए जरूर से मिल मिलेगा. एंड टीम सोल उनका भी स्वागत करने के लिए तैयार है, एक इसी कंपाउंड में मौजूद है. टीपीपी लेने के ओमेगा की बात करें उन्हें टेकडाउन जरूर से किया था बट रिटेलिएशन नॉक जैक अभी के लिए काफी ज्यादा फिलहाल अच्छी रहने वाली है. पहला टेकडाउन जरूर से निकाल दिया एंड इसके साथ उन्हें भी टेकडाउन कर दिया जाएगा. रिटेलिएशन नॉक काफी ज्यादा प्यारा जरूर से दिया गया. बात करें दोनों ही टीमें एक एक प्लेयर के साथ वो रिटेलिएशन दे रही है फिलहाल के. जी हाँ, एक एक प्लेयर के साथ रिटेलिएशन एंड रोल की बात करें काफी ज्यादा लो रहने वाले हैं. टीम 16 जी हाँ, वो एक फिफ्थ पार्टी करते हुए देखने को मिलेगी. एंड टीम सोल वो कहीं ना कहीं अब लड़खड़ाते हुए देखने को मिल जाएंगे. एंड लास्ट प्लेयर बचने वाले विच इज गोइंग टू बी न्यू एंड न्यू के सामने वो अगर नेट सही समय पर सही जगह पड़ता बट फिलहाल के लिए कनेक्शन नहीं मिला. इक्विनॉक्स की बात करें काफी ज्यादा तेजी से आगे की ओर जरूर से बढ़ने वाले, तब तक वो मौजूद रहेंगे कवर देने के लिए. अक्सर खतरे में जरूर से रहने वाले उन्हें कहीं ना कहीं उनके पोजीशन का अंदाजा जरूर से रहने वाला है. एंड टीम 10 यूक्विनॉक्स ने टेक डाउन किया गया. 1v2 की फाइट अगेंस्ट अक्षत रहने वाली लड़की निकाल के ले जाते हुए देखने को मिले. एल्ट्रॉन ने भी टेक डाउन किया जाएगा. अक्षत शॉटगन बोलती हुई उनकी जरूर से देखने को मिल जाएगी. इसी के साथ टीम 10 उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. एंड नंबर ऑफ फिनिशेस की बात करें अक्षत उनके पास इंडिविजुअली 7 फिनिशेस रहने वाले एंड वो फेदर. देन गाइस अपनी नेक्स्ट फाइट है गॉड लाइक वर्सेस अंतरयामी जिसके अंदर एंड में एक बहुत खतरनाक ट्विस्ट होने वाला है. समस्या बढ़ती नजर आएगी बट दूसरी तरफ अगर ध्यान दे तो भाई गॉड लाइक की तरफ से नियो वापस से अपनी डीबीएस के साथ जो एक कहर है वो फरफाते हुए नजर आ रहे हैं. ट्रीट्स निकालते हुए अभी के लिए देखिए जरूर नजर आएंगे बट इस बार के हाथ में वापस हमको कुछ अच्छे वेपन्स देखने को मिल रहे हैं और डीबीएस के साथ टीम नेट के प्लेयर्स ऑफ कोर्स यहां पे आउट नंबर जरूर से किया जाएगा. एंड काफी बेहतरीन हमारी जनता जो शुरू से पिछले 7 दिनों से हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई नजर आ रही है. अगर उन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर की भाई पीछे ऑलरेडी यहाँ पर नियो जो है ना नीचे बस अपने टीममेट्स का इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो वो समस्या जो है
पढ़ाना शुरू कर देंगे बट सीक्रेट दूसरी तरफ चलिए ऑलरेडी विवॉन को टेक डाउन करते नजर आएंगे नियो एक वन यू वन के अंदर वापस से अपनी डीबीएस का एक मटका देंगे अपने ऑपोजिशन को लगातार विल दिखे पिन डाउन करते नजर आएंगे टीम ने तो ऑलरेडी एग्जिट ले चुके बट टीम गॉड लाइक इस समय लगातार अपने ऑपोजिशन के ऊपर अपने ओपोनेंट्स के ऊपर जो लगाम लगाते नजर आ रहे हैं पूर्ण विराम लगाते नजर आ रहे हैं और इस पायनान के रीजन को क्लियरेंस तो ऑलरेडी कर ही दिया बस एक प्लेयर बचा है और ऐसे में गुची की बात करें मुझे लगता नहीं कि गुची भी अब ज्यादा देर तक खुद को बचा के रख पाएंगे पीछे से शॉट्स फायर करे जाएंगे इसी तरफ जोनाथन के पास एक अच्छा व्यू वहां पे नजर आ रहा है उनकी तरफ से भी कुछ अच्छे शॉट्स यहां पे सर्विस लिए जाएंगे रियली जोनाथन के ऊपर कुछ शॉट दिए गए नियो ने पहला ओपनिंग नॉक जिसकी काफी ज्यादा जरूरत थी वो टीम ऐसे मार गया यहाँ पे दे दिया जरूर से दे दिया है जोनाथन हाथों में डीपीएस लेके मूव करते हैं जरूर तरह रवि लेवल टू पिकिंग ऑफ एंड ये लीजिए काफी बेहतरीन तरीके से एक लोग पिकअप करेंगे मूविंग फॉर द सेकंड वन दो प्लेयर्स इस पर न्यू वहां पे टेक डाउन हो चुके सारी जिम्मेदारी जोनाथन के कंधों के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रही है सी गॉड उनके सपोर्ट के लिए यहाँ पे जरूर नजर आ रहे डीपीएस उनके हाथ में एंड ये लीजिए जोनाथन विद द फाइनल ब्लो एंड जोनाथन वर्सेस रेबेल आई थिंक एक अच्छा फाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा डीपीएस सब मूव ऑन कर रहे हैं काफी निर्णायक अच्छे शॉट दिए गए बट रेबेल दैट वाज वेरी क्रूएल नियो और जोनाथन दोनों को एलिमिनेट करें एक 1v2 यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड जी नहीं 1v2 हुआ जरूर Then guys, that's it for the video. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो. Thank you for watching. Bye bye.